हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीलर नाइटिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है डीआरडीओ सप्टम 10 टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 12। तो इसके पहले भी हमने मॉक टेस्ट के रूप में 1 से लेकर 11 तक सॉल्व करके दिया है, जो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या फिर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जो भी हम क्वेश्चन हर एक पार्ट में सॉल्व करते हैं, उस पूरे क्वेश्चन की पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है, टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 12। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डोज द लेटर ए डिनोट। तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है सरफेस रफनेस का, तो इसमें ए वाला भाग जो दिखाया गया, तो इससे कौन से नाम से जाना जाता है, ये जो इसका ये है इसका क्या मान होता है, या फिर ये जो है ये का वैल्यू, मतलब ये अक्षर क्या दर्शाता है, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सैम्पलिंग लेंथ, दूसरा रफनेस वैल्यू, तीसरा प्रोडक्शन मेथड और चौथा है मशीनिंग अलाउंस। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्क्रीन पर दिखाया गया है जो वैल्यू हमारा ए है, तो इसका ए क्या दर्शाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रफनेस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंगल प्लेट इज यूज टू सपोर्ट जॉब इन डिफरेंट एंगल। विभिन्न एंगल में जॉब का समर्थन करने के लिए किस एंगल प्लेट का उपयोग किया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से एंगल प्लेट की सहायता से हम जॉब को अलग अलग एंगल में सपोर्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बॉक्स टाइप, दूसरा प्लेन टाइप, तीसरा स्लॉटेड टाइप और चौथा एडजस्टेबल टाइप। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच एंगल प्लेट, मतलब कौन सा एंगल प्लेट उपयोग करके हम जॉब को अलग अलग एंगल में सपोर्ट दे सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एडजस्टेबल टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सरफेस रफनेस सिंबल मार्क एक्स। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको सरफेस रफनेस का एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो जिसमें एक्स के रूप में दिखाया गया इस वाले भाग का, ये वाले भाग क्या दर्शाता है ये चिन्ह, तो हमें पहचानना है। जैसे ये आपको जो सिंबल आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये सरफेस रफनेस का सिंबल है, इसके हर एक जो लेटर दिया, हर एक लेटर का अलग अलग मीनिंग होता है। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स के रूप में दिखाए गए लेटर का क्या मीनिंग होता है, तो ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रफनेस वैल्यू, दूसरा सैम्पलिंग लेंथ, तीसरा मशीनिंग अलाउंस इन एमएम और चौथा ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ ले। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स के रूप में दिखाए गए भाग को क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मशीनिंग अलाउंस इन एमएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रफनेस ग्रेड नंबर आर यूज, कितने रफनेस ग्रेड नंबर का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है N1 to N12L, दूसरा N1 to N25, तीसरा ऑप्शन है N1 to N20 और चौथा ऑप्शन है N1 to N30। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने रफनेस ग्रेड नंबर का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए N1 to N12। ध्यान में रखें कि रफनेस ग्रेड जो भी होता है, जितने कितने होते हैं, N1 से N12 तक रफनेस ग्रेड का नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सरफेस रफनेस सिंबल मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक सरफेस रफनेस का डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसमें एक्स के रूप में दिखाए गए भाग को क्या कहा जाता है, ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ ले, दूसरा सैम्पलिंग लेंथ, तीसरा मशीनिंग अलाउंस और चौथा है रफनेस वैल्यू। तो जो स्क्रीन पर आपको इस सरफेस रफनेस का एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसमें एक्स के रूप में दिखाए गए भाग को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी सैम्पलिंग लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन कैरी आउट बाय यूजिंग फाइन एब्रेसिव मटेरियल। फाइन एब्रेसिव मटेरियल के सहायता से किए जाने वाले फिनिशिंग ऑपरेशन का नाम क्या है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्राइंडिंग, दूसरा लैपिंग, तीसरा फाइलिंग और चौथा है पॉलिशिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइन एब्रेसिव मटेरियल के सहायता से जो प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन किया जाता है, उसका नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लैपिंग, क्योंकि लैपिंग हमारा फिनिशिंग का लास्ट स्टेप है, जिसमें बहुत बारीक फाइन एब्रेसिव का उपयोग करके जॉब के ऊपर फिनिशिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इन द सरफेस रफनेस सिंबल। तो सरफेस रफनेस के सिंबल में ये जो आपको बी दिखाई दे रहा है, इसका ये बी क्या दर्शाता है, ये हमें पहचानना है। तो जो इसके लिए पहला ऑप्शन है रफनेस ग्रेड, दूसरा सैम्पलिंग लेंथ, तीसरा प्रोडक्शन मेथड और चौथा डायरेक्शन ऑफ ले।
तो जैसे स्क्रीन पर आपको सरफेस रफनेस का डायग्राम दिखाई दे रहा है, और जिसमें बी के रूप में जो दिखाए गए भाग को क्या कहा जाता है, जैसे क्वेश्चन ने पूछा है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर लैपिंग टूल प्रोवाइडेड ग्रू, लैपिंग टूल में ग्रू क्यों प्रदान किए जाते हैं? इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्सपेंशन, दूसरा फॉर एक्वेंडेड लैपिंग कंपाउंड, तीसरा ऑप्शन है क्लियरेंस के लिए, और चौथा ऑप्शन है प्रिवेंट डैमेज टू टूल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लैपिंग टूल्स में ग्रू प्रदान क्यों किए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर एक्वेंडेड लैपिंग कंपाउंड, मतलब लैपिंग कंपाउंड को समायोजित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एक्स? तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इसमें एक्स के रूप में दिखाए गए भाग को क्या कहा जाता है, ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एंगल प्लेट, दूसरा फेस प्लेट, तीसरा काउंटर वेट, और चौथा है वर्क पीस। तो जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाए गए डायग्राम में एक्स के रूप में दिखाए गए भाग को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, काउंटर वेट। काउंटर वेट क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे वाला भाग है ये फेस प्लेट के सहायता से जॉब को पकड़ा हुआ है, और एक साइड में पूरा लोड ना है, इसलिए उसके ऑपोजिट साइड में काउंटर वेट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लैपिंग? लैपिंग मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन, मतलब प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन है लैपिंग, या फिर दूसरा फाइलिंग ऑपरेशन है, या फिर तीसरा ग्राइंडिंग ऑपरेशन है, या फिर चौथा चिजलिंग ऑपरेशन है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैपिंग क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन है, ऑपरेशन यह एक प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन है जो लैपिंग, जिसे लैपिंग कहा जाता है। इसी तरह के रेगुलर क्लास के वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस मार्क एक्स? तो हम स्क्रीन पर आपको एक डिवाइस दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब लगा हुआ है, ये हमारा पिक्चर है, और तो जो जिसके ऊपर जॉब लगा हुआ है तो इसको एक्स के रूप में दिखाया गया है, तो एक्स के रूप में दिखाए गए भाग को क्या कहा जाता है, ये हमें पहचानना है, मतलब ये कौन सा डिवाइस है, एक्स के रूप में दिखाए गए डिवाइस का नाम क्या है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लेथ प्लेट, दूसरा फोर्जा चक, तीसरा फेस प्लेट, और चौथा है ड्राइविंग प्लेट। तो एक्स के रूप में दिखाए गए भाग डिवाइस का नाम है ऑप्शन नंबर सी, फेस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैपिंग मटेरियल इज यूज फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग? आसान चार्जिंग और तेजी से काटने के लिए कौन से लैपिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा कॉपर एंड ब्रॉस, तीसरा क्लोज ग्रेन आयरन, और चौथा ऑप्शन है व्हाइट कास्ट आयरन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आसान चार्जिंग और तेज गति से काटने के लिए लैपिंग की कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर एंड ब्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैप मटेरियल इनएक्सपेंसिव एंड कैन बी एक्सपांडेड इफ वार्म आउट? जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी लैपिंग मटेरियल सस्ती है और खराब होने पर इसका विस्तार किया जा सकता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्रॉस, दूसरा कास्ट आयरन, तीसरा लीड, और चौथा है ब्रॉन्ज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी लैपिंग मटेरियल सस्ती है और खराब होने पर इसका विस्तार किया जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लैपिंग व्हीकल? लैपिंग व्हीकल का क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस, दूसरा ऑप्शन है स्मूथ इफेक्टिव ऑपरेशन, तीसरा इम्प्रूव्स डायमेंशनल एक्यूरेसी, और चौथा इम्प्रूव्स कटिंग एबिलिटी। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैपिंग व्हीकल का क्या उद्देश्य होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस, मतलब काटने की क्रिया को विनियमित करें और सतह को लुब्रिकेट करने के लिए लैपिंग व्हीकल का यही उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डोज पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ द मशीन एंड इक्विपमेंट इज कैरी आउट इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस? पीरियोडिक इंस्पेक्शन में मशीन और उपकरण का जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीरियडिक इंस्पेक्शन में मशीन और उपकरण का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एज पर चेकलिस्ट, मतलब चेकलिस्ट के हिसाब से, या फिर दूसरा एज पर नॉलेज ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनी के नॉलेज के हिसाब से,
या फिर तीसरा ऑप्शन है एच वन नॉलेज ऑफ इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर के नॉलेज के हिसाब से, या फिर चौथा ऑप्शन है एच वन नॉलेज ऑफ मैनेजर, मैनेजर के नॉलेज के हिसाब से। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि पीरियडिक इंस्पेक्शन में मशीन और उपकरणों का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एज पर चेकलिस्ट, मतलब चेकलिस्ट के अनुसार पीरियडिक इंस्पेक्शन में मशीन और हैंड टूल्स का इंस्पेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का उद्देश्य क्या है, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम करते हैं तो क्यों किया जाता है, या फिर उसका क्या उद्देश्य होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, यही क्वेश्चन है पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेंटेन मशीन इन गुड वर्किंग ऑर्डर, मतलब मशीन को गुड कंडीशन में रखने के लिए किया जाता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन की कॉस्ट को बढ़ाने के लिए, या फिर तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस द वाइब्रेशन ऑफ मशीन, मतलब वाइब्रेशन, मशीन अगर वाइब्रेशन होता है तो उसकी वाइब्रेशन को कम करने के लिए, या चौथा ऑप्शन है टू कीप द मेंटेनेंस रिकॉर्ड, मेंटेनेंस रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेंटेन मशीन इन गुड वर्किंग ऑर्डर, मतलब मशीन को अच्छे कार्य में बनाए रखने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का उपयोग किया जाता है, या फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन ऑफ मशीन बी रिडक्टेड, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मशीनों के अप्रत्यक्षित ब्रेकडाउन को कैसे कम किया जा सकता है, मतलब जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रेकडाउन जो, जैसे कोई भी मशीन कंपनी में काम जो चलता है उसमें अगर बीच में ब्रेकडाउन अगर होता है तो उस ब्रेकडाउन को कैसे कम किया जा सकता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बाय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस द्वारा, या फिर दूसरा ऑप्शन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस द्वारा, या फिर तीसरा ऑप्शन प्रोडक्टिव मेंटेनेंस द्वारा, या फिर चौथा ऑप्शन है क्वालिटी मेंटेनेंस द्वारा। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन ऑफ मशीन को किस तरह से रोका जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के द्वारा हम ब्रेकडाउन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम का क्या एडवांटेज है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका जो, इसके लिए पहला ऑप्शन है इम्प्रूव क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी जो प्रोडक्ट होते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, फिर दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस द मैन पावर ऑफ द मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में मैन पावर कम करने के लिए, फिर तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की कॉस्ट कम करने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है रिड्यूस द लाइफ ऑफ मशीन, मतलब मशीन की लाइफ को कम करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम का एडवांटेज क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इम्प्रूव क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करता है, जो हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं उससे क्या फायदा होता है, उससे फायदा होता है कि उत्पादन की मात्रा बढ़ती है और उसके गुणवत्ता में भी सुधार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस रिकॉर्ड, मेंटेनेंस रिकॉर्ड का क्या फायदा होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रिड्यूस द क्लरिकल वर्क, क्लरिकल वर्क को कम करता है, या फिर दूसरा मॉनिटर द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन की कॉस्ट को बढ़ाता है, या फिर चौथा ऑप्शन है जीरो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, मतलब ब्रेकडाउन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेंटेनेंस रिकॉर्ड का फायदा क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, मतलब बार बार टूटने की निगरानी को बनाए रखने के लिए, मतलब ब्रेकडाउन मतलब क्या होता है कि जैसे काम करते करते अगर मशीन बंद हो जाती है तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाता है, उसे बोला जाता है ब्रेकडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस रिकॉर्ड का उपयोग क्या है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू एनालाइज द परचेस, दूसरा टू एनालाइज द पेरियोडिक इंस्पेक्शन, तीसरा ऑप्शन है टू एनालाइज द केस फॉल्ट एंड रेक्टिफिकेशन, और चौथा ऑप्शन है टू एनालाइज द फंक्शन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेंटेनेंस रिकॉर्ड का क्या उपयोग है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू एनालाइज द केस फॉल्ट एंड रेक्टिफिकेशन, मतलब कारक, कारण, दोष और सुधार का विश्लेषण करने के लिए मेंटेनेंस रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज्ड एज अ रेफरेंस सरफेस ऑफ मार्किंग, मार्किंग करने के लिए कौन
कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है, सरफेस की मार्किंग करने के लिए कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेट एंगल, दूसरा मार्किंग टेबल, तीसरा एनविल सरफेस और चौथा है लेथ बेड। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सरफेस मार्किंग करने के लिए कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मार्किंग टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज टू चेक इक्सेंट्रिसिटी। इक्सेंट्रिसिटी को चेक करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा है अगर हमें इक्सेंट्रिसिटी अगर चेक करना है तो उस समय कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायल टेस्ट इंडिकेटर, दूसरा माइक्रोमीटर, तीसरा सरफेस गेज और चौथा है वर्नियर कैलिपर। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इक्सेंट्रिसिटी को चेक करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डायल टेस्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन एंगल प्लेट। तो एंगल स्क्रीन पर आपको एक एंगल प्लेट का डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया इस भाग को, तो इसका क्या कारण है, इस एंगल प्लेट में इस भाग को रखने का क्या कारण है या फिर क्या उद्देश्य है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एंगल प्लेट में दिखाए गए एक्स वाले भाग का क्या उद्देश्य होता है, इसके लिए पहला ऑप्शन है होल्डिंग द जॉब, मतलब जॉब को पकड़ने के लिए, दूसरा ऑप्शन इंक्रीज द वेट, मतलब एंगल प्लेट की वेट को बढ़ाने के लिए, या फिर तीसरा फॉर गुड अपियरेंस, मतलब गुड अपियरेंस के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है अवॉइड डिस्टॉर्शन, मतलब टूटने से बचाने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एंगल प्लेट स्क्रीन पर एक एंगल प्लेट का डायग्राम देख सकते हैं आप, तो एंगल प्लेट का इस भाग का एंगल प्लेट में होने का क्या रीजन है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अवॉइड डिस्टॉर्शन, मतलब टूटने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ एंगल प्लेट इज यूज टू होल्ड वर्क एट एंगल। कौन से एंगल प्लेट को उपयोग किसी जॉब को एंगल में पकड़ने के लिए किया जाता है, तो इसलिए इसका जो क्वेश्चन पूछा है, इसका जो पहला ऑप्शन है सॉलिड टाइप एंगल प्लेट, दूसरा स्लॉटेड टाइप, तीसरा सुवेल टाइप और चौथा है बॉक्स टाइप। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से एंगल प्लेट का उपयोग हम कोई भी जॉब को एंगल में सेट करने के लिए किया जाता है या फिर एंगल में पकड़ने के लिए किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुवेल टाइप एंगल प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग रफनेस। रफनेस को दर्शाने का सबसे स्वीकृत तरीका क्या है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रफनेस को दर्शाने के लिए कौन से स्वीकृत तरीका का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्रेड नंबर, दूसरा ऑप्शन है सिम्बॉल, तीसरा यूनिट या फिर चौथा है वेट। तो क्वेश्चन को हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि रफनेस को अगर दर्शाना है हमें तो किसके सहायता से दर्शाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेड नंबर। रफनेस अगर हमें दर्शाना है तो ग्रेड नंबर के सहायता से दर्शाया जाता है। जैसे रफनेस ग्रेड होता है हमारा N1 से N12, तो इस ग्रेड के नंबर से रफनेस को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट माइल्ड ऑन टू प्लेट ऑन एंगल प्लेट। एंगल प्लेट के दो तलों पर माइल्ड स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है, मतलब जो एंगल प्लेट हमारा होता है इसमें जो स्लॉट कटे होते हैं तो स्लॉट का क्या उद्देश्य होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेड्यूस द वेट, मतलब वेट को कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है क्लैम्प द जॉब, जॉब को पकड़ने के लिए, तीसरा ऑप्शन है मेंटेन एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए और चौथा ऑप्शन है गुड अपियरेंस। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंगल प्लेट के दोनों साइडों में जो स्लॉट कटे होते हैं वो स्लॉट कटे होने का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लैम्प द जॉब, जॉब को क्लैम्प करने के लिए जो एंगल प्लेट पे स्लॉट दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ लैप मटेरियल टू मेक लैप्स हार्डर देन वर्क पीस। क्या होगा यदि लैप मटेरियल का उपयोग वर्क पीस की तुलना में लैप को कठिन बनाने के लिए किया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या इफेक्ट पड़ सकता है कि अगर लैप को अगर हम वर्क पीस की तुलना में कठिन मटेरियल से तैयार कर अगर करें तो क्या उसका इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए पहला ऑप्शन है इम्प्रूव बेटर ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी, मतलब इसकी ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है, या फिर दूसरा ऑप्शन है एब्रेसिव
कट द लैप इंस्टेंट ऑफ वर्क पीस, फिर तीसरा ऑप्शन है इम्प्रूव डायमेंशनल एक्यूरेसी, या फिर चौथा ऑप्शन है रिफाइन सरफेस फिनिश। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल हैपन इफ लैप मटेरियल, मतलब क्या हो सकता है अगर लैप मटेरियल, लैप को बनाने के लिए जो मटेरियल हम यूज करेंगे वो जॉब के मटेरियल से हार्ड अगर रखा जाए तो क्या इफेक्ट हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एब्रेसिव कट द लैप इंस्टेंट ऑफ वर्क पीस, एब्रेसिव वर्क पीस के बजाय लैप को काट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ द मार्किंग टेबल टू मेंटेन एक्यूरेसी, सटीकता बनाए रखने के लिए हम, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सटीकता बनाए रखने के लिए मार्किंग टेबल की सतह की रक्षा कैसे कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी जॉब के ऊपर अगर मार्किंग करना है तो हम सरफेस प्लेट के ऊपर मार्किंग करते हैं, या फिर मार्किंग टेबल बोला जाता है। तो इसकी एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए कौन सा प्रोसेस किया जाता है, फिर किस तरह से हम इसकी एक्यूरेसी बनाए रख सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बाय प्रोवाइडिंग अ गार्ड, इसके ऊपर गार्ड लगाकर, या फिर दूसरा प्रोवाइडिंग प्लास्टिक कोटिंग, या फिर उसके ऊपर सरफेस मार्किंग प्लेट टेबल के ऊपर प्लास्टिक कोटिंग करके, या फिर तीसरा ऑप्शन है बाय अप्लाइंग थिन लेयर्स ऑफ ऑयल, उसके ऊपर मतलब बारीक पतला ऑयल का लेयर लगाकर, या फिर चौथा ऑप्शन है प्रोवाइड अ स्टैंड, फिर स्टैंड के ऊपर रखकर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मार्किंग टेबल की अगर हमें एक्यूरेसी बनाए रखनी है तो कौन सा प्रोसेस इसके ऊपर किया जाता है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाय अप्लाइंग थिन लेयर्स ऑफ ऑयल, ऑयल की पतली परत लगाने से इसकी एक्यूरेसी बनी रहती है। जैसे कोई भी मार्किंग टेबल है काम होने का, और इसके ऊपर ऑयल लगाकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज मार्क एक्स इन कॉपिंग अटैचमेंट, तो स्क्रीन पर आपको एक कॉपिंग अटैचमेंट का डायग्राम दिखाई दे रहा है, और कॉपिंग अटैचमेंट में एक्स के रूप में दिखाए गए भाग को क्या कहा जाता है, ये हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है मास्टर प्रोफाइल, दूसरा स्टाइलस, तीसरा वर्कपीस, और चौथा रियर टूल स्लाइड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कॉपिंग अटैचमेंट में, ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये कॉपिंग अटैचमेंट है, तो इसमें एक्स के रूप में दिखाए गए भाग का नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्कपीस, ये हमारा जॉब लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्स के रूप में दिखाए गए भाग है इसे, ये हमारा जॉब है कॉपिंग अटैचमेंट में, ये हमारा जॉब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज मार्क एक्स इन कॉपिंग अटैचमेंट, स्क्रीन पर आपको एक कॉपिंग अटैचमेंट का डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें एक्स के रूप में इस वाले भाग को दिखाया गया है, तो ये इसे क्या बोला जाता है, इस पार्ट का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मास्टर प्रोफाइल, दूसरा स्टाइलस, तीसरा रियल टूल स्लाइड, और चौथा है कंट्रोल लीवर फॉर हाइड्रोलिक स्लाइड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कॉपिंग अटैचमेंट में एक्स के रूप में दिखाए गए पार्ट का नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टाइलस, ये जो आपको स्क्रीन पर एक्स के रूप में दिखाया गया है इस भाग का नाम है स्टाइलस। तो इस तरह से हमने आज के क्लास में हमने आपको टर्नर थ्योरी मॉक टेस्ट 12 के रूप में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर।